हम लोगों ने क्यू मोबाइल बोल्ट T480 को किया है अनबॉक्स, और अनबॉक्स करने के बाद हमारे पास ये एक्सेसरीज आई हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है ये हैंडसेट। आप देख सकते हैं इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं आपसे। अदर देन दिस हैंडसेट वी हैव अ ट्रेवल चार्जर। क्यू मोबाइल का एक यूजुअल ट्रेवल चार्जर है 1 एम्पेयर का, एंड देन एक डेटा केबल जिससे आप डेटा भी ट्रांसफ़र करेंगे और आप इससे अपने हैंडसेट को चार्ज भी करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द यूजुअल हैंड फ्रीज, जो कि क्यू मोबाइल के हैंडसेट्स की नॉर्मल होती है। और व्यूअर्स आप देख सकते हैं मेरे हाथ में क्यू मोबाइल बोल्ट T480 है। आप सबसे पहले इसका बैक देखें, बॉडी देखें, पैटर्न बैक है, बोल्ट की ब्रांडिंग हुई भी है क्यू मोबाइल की, जो यूजुअल जिस तरह ब्रांडिंग होती है कैमरा, एंड देन द पावर बटन एंड द वॉल्यूम कीज। फिर हमारे पास ये इसका ऑडियो जैक है और इसका जो चार्जिंग प्लग। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ इस हैंडसेट की जो स्पेसिफिकेशन, उसके बारे में तो हम अभी बात करते हैं, पर इसकी बॉडी और हमारा इससे पहले एक हैंडसेट रिलीज हुआ था, दैट वाज क्यू मोबाइल नॉयर X40। इन दोनों की जो बैक है आप देख सकते हैं, दिस इज़ क्यू मोबाइल नॉयर X40 एंड ये जो है ये बोल्ट T480 आप देख सकते हैं। इनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, इनकी साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आप देख सकते हैं, बोल्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा है एंड जो नॉयर क्यू मोबाइल X40 है वो है थोड़ा सा इससे छोटा। पैटर्न बैक है दोनों की, कैमरा 2 मेगापिक्सल। बाकी स्पेसिफिकेशन में भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बोल्ट क्यू मोबाइल X40 था उसमें भी जो रैम यूज़ हुई थी दैट वॉज 512 MB, जबकि जो बोल्ट में रैम यूज़ हुई है वो भी 512 MB है। उसमें जो X40 में यूज़ हुआ था हमारा इंटरनल स्टोरेज थी 4GB की, इस हैंडसेट में भी इंटरनल स्टोरेज 4GB की है, और प्रोसेसर इसका थोड़ा सा बड़ा है। इस हैंडसेट में जो प्रोसेसर है दैट इज़ 1.2 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर है, जबकि जो X40 था उसमें ड्यूल कोर प्रोसेसर था और 1 GHz प्रोसेसर था। तो यस, प्रोसेसर मेक्स द डिफरेंस, लेकिन मैं बात करी थी इसकी बॉडी की तो, और इसकी रैम एंड रोम वो ऑलमोस्ट सेम है, इसका कैमरा ऑलमोस्ट सेम है उस हैंडसेट से। ये भी एंट्री लेवल फ़ोन है, वो भी एक एंट्री लेवल फ़ोन था। लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल ऑफ दिस हैंडसेट। अब हम अगर बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, व्यूअर्स बात कर रहे थे हम अगर इसके डिस्प्ले की, तो क्यू मोबाइल नॉयर X40 जो था दैट वॉज 4.5 इंच, और जबकि ये हैंडसेट जो है इट्स अ 5 इंच डिवाइस। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ के साथ आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि 5 इंच डिवाइस है। इट्स अ 5 इंच फुल विड्थ VGA LCD डिस्प्ले, और इसका जो टच है वो भी स्मूथ है, और इसका लेकिन इसका टच इसलिए भी स्मूथ है, टच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो जो था X40 जो था वो थोड़ा सा टाइम ले रहा था और ये नहीं ले रहा। उसका रीज़न यही है कि इसमें जो है एक क्वाड कोर प्रोसेसर है जबकि उसमें ड्यूल कोर प्रोसेसर था। अब इफ़ यू टॉक अबाउट द OS, तो आपको देख के पता चल गया होगा कि इसका जो OS है वो एंड्रॉयड किटकैट 4.4.2, और जो है इसमें जो कैमरा यूज़ हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो रेयर कैम है वो तो है 2 मेगापिक्सल, जबकि जो इसका फ्रंट कैम है दैट्स अ VGA कैम। पिक्चर्स हम आपको दोनों की दिखा देते हैं। वेल व्यूवर्स, पिक्चर्स हम आपको दिखाना चाहेंगे इन दोनों कैम्स की। सबसे पहले आप देखें, ये है इसका सेल्फी कैम, नॉट बैड, अच्छी ब्राइट पिक्चर है। एक VGA कैम है इसका, लेकिन फिर भी पिक्चर आप देख सकते हैं, और पिक्चर का साइज़ आप देख सकते हैं 84 KB, और वेथ और हाइट भी 480x640। ये है इसका फ्रंट कैम जो कि एक VGA कैम है। अदर देन दिस ये है जी हमारा रियर कैम जो कि है 2 मेगापिक्सल, आप इसे देख सकते हैं, इट्स अ ट्रू 2 मेगापिक्सल कैम, और आप देख सकते हैं 806 KB की है जी फाइल साइज़, प्लस इसका जो वेथ और हाइट है 1200x1600। व्यूवर आप देख सकते हैं इसका SIM 1 स्लॉट, SIM 2 स्लॉट, एंड देन दिस वन इज़ फॉर द SD कार्ड, अगर आप इंसर्ट करना चाहें SD कार्ड। बात है इसकी बैटरी की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इसकी बैटरी है इट इज़
2000 mAh आर बैटरी, जबकि अगर हम इसका कंपैरिजन कर रहे थे क्यू मोबाइल X40 के साथ, तो X40 में जो बैटरी थी दैट वॉज 1700 mAh आर बैटरी, जबकि इस हैंडसेट में 2000 mAh आर की बैटरी है। व्यूवर्स, एक चीज़ जो मैं सैमसंग के बारे में बताना भूल गई, और वो है डाटा एक्सेस 3G हैंडसेट HSPA टेक्नोलॉजी के साथ, विच मेक्स इट अ फास्ट 3G हैंडसेट, एक एंट्री लेवल फोन फास्ट 3G हैंडसेट। अगर आप यूज करना चाहते हैं 3G एंड यू वांट अ स्मार्टफोन, और वेरी नॉर्मल जो है इसके जो स्पेसिफिकेशन बहुत नॉर्मल है, लेकिन मैंने कि वही बात है कि जहाँ स्पेसिफिकेशन थोड़े से नॉर्मल होते हैं उधर आपको बहुत ज़्यादा एज मिल जाता है इसकी प्राइस पे, और इसकी प्राइस भी लो हो जाती है। सेकेंडली, अगर आपको डिटेल चाहिए सैमसंग की बहुत सारी, तो वही लिंक है, इसके लिंक में मेंशन है एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन है, उसमें है इसकी डिटेल्स, इसका रिटर्न रिव्यू, और अगर आपको बहुत सारी डिटेल्स चाहिए इसकी, तो यू कैन गो टू द रिटर्न रिव्यू, वहाँ आपको मिल जाएंगे इसकी डिटेल्स। दैट्स फॉर नाउ, कीप विजिटिंग आवर वेबसाइट फॉर मोर रिव्यूज एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक।